हेलो गाइज, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइज, आप सबसे काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। एक्चुअली हमारा एग्ज़ाम आ गया था, इसीलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। अब कोशिश रहेगा कि आप लोग को डेली वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की डिफिनेशन क्या होती है और उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, पहचान क्या होती है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पिछली वीडियो देख लीजिए। चैनल पर प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, वहाँ से आप सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस में जितने भी सेंटेंस के रूल्स होते हैं उन सभी रूल्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस की पॉइंट्स क्या होती है और इसका रूल्स क्या होता है। तो मैं पॉइंट आपको बोल रहा हूँ, पॉइंट आप लिख लीजिए और उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल बनाएंगे। तो लिखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय, अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सर्वप्रथम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हैड तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सर्वप्रथम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार हैड तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे पॉइंट बोले हैं उसी पॉइंट के अनुसार हम क्या करेंगे, रूल लिख लेंगे। तो देखो, पहले आपको क्या मिला होगा, पहले आपको सर्वप्रथम सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आप क्या लगाओगे, हैड। फिर आप क्या करोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका हो गया रूल। किसमें? ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब हम दूसरे सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सर्वप्रथम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस नॉट, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस नॉट तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये आपका हो गए पॉइंट किसमें, निगेटिव सेंटेंस में। तो अब हम इसका रूल लिख लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या, हैड, फिर हम क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे और नॉट लगाएंगे, फिर आप क्या करोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका हो गया निगेटिव सेंटेंस का रूल पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे सेंटेंस की। तीसरा सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव। अब देखिए, तीसरे सेंटेंस की पॉइंट क्या होती है, इसकी हम पॉइंट लिख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सब्जेक्ट के पहले, सब्जेक्ट के पहले हैड तथा, सब्जेक्ट के पहले हैड तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ए हो गई पॉइंट किसकी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, किस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो अब हम क्या करते हैं, इसका रूल लिख लेते हैं। तो देखो, रूल में पहले क्या आया है, सब्जेक्ट आया है, और सब्जेक्ट के पहले आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे आप, हैड। क्लियर? इसके बाद आप क्या करोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल, किस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब हम बात करते हैं चौथे सेंटेंस की। तो चौथा सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। ठीक है, अब हम इसकी पॉइंट लिखेंगे। तो चलिए, हम पॉइंट बोल रहे हैं, आप पॉइंट लिखिए। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब,
सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, कॉमा सब्जेक्ट के बाद नॉट तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, कॉमा सब्जेक्ट के बाद नॉट तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसका भी रूल लिख लेते हैं। तो रूल में पहले क्या आया है, हैड, फिर हम क्या करेंगे, प्लस सब्जेक्ट, और बोले क्या है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका रूल किस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और किस सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अब इसके बाद हम आपको WH क्वेश्चन का रूल बता देते हैं और हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में ट्रांसलेट करना सीखेंगे इन्हीं सभी रूल्स का यूज करके। बट आगे बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, जो WH क्वेश्चन है उसका रूल लिख लेते हैं। तो देखिए WH क्वेश्चन में WH क्वेश्चन का रूल क्या होता है, मैं इसमें पॉइंट नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि WH क्वेश्चन होता क्या है और कैसे इसमें रूल बनाया जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, WH क्वेश्चन का जब भी हमें कभी भी रूल बनाना हो या किसी भी टेंस में, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए आपको ए यस या नो में है, ये जो दो सेंटेंस है ये आपको यस या नो में है, बस इसी के पहले आप क्या करो, इसी रूल के पहले आप क्या करो, इंट्रोगेटिव वर्ड्स का यूज कर दो और ये सीधे रूल किस में हो जाएगा, WH क्वेश्चन में। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करते हैं, वही रूल लिख लेते हैं। तो देखो हम पहले क्या बताए हैं, पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड्स लिखेंगे, फिर आप क्या करोगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखोगे। ये हो गया आपका पहला रूल। अब इसी रूल को मैं डिटेल में लिख रहा हूँ, ये जो आपका हो गया पहला रूल। अब इसके बाद आपका इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, डिटेल में लिख रहा हूँ और करके। देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड्स में जैसे आप लगाओगे व्हाट, व्हाट, व्हाई, हु, वेयर, ETC, ठीक, ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्लस हम क्या करेंगे, यही रूल डायरेक्ट उतार देंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये हो गया आपका रूल, ठीक है। इसके बाद एक निगेटिव वाला देख लीजिए, सेम ऐसे ही है। निगेटिव में क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड्स लिखेंगे प्लस यहाँ लिखेंगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, ये रूल हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसी को डिटेल में लिख लेते हैं, बस यही रूल यहाँ पर हम कॉपी कर देंगे। तो देखिए सेम यहाँ पर भी यही लिख लेंगे, व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, etc, ये हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस लिख लेंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट, फिर हम क्या करेंगे, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये आपका रूल हो गया WH क्वेश्चन में। अब अगर आपको किसी भी प्रकार का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में मिलता है तो आप इन्हीं सभी रूल्स का यूज करके उन सभी सेंटेंस को अच्छे से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं सब का रूल यूज करके हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए गाइज मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, थैंक यू।